हिमाचल के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद विभिन्न फलदार पौधों के रोपने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इससे ऊपरी क्षेत्र में पौधों की मांग काफी बढ़ गई है। मांग को देखते हुए मौके का लाभ उठाने के लिए कुछ लोग गैर प्रमाणिक और रोगयुक्त पौधे कस्बों के नजदीकी बस अड्डों एवं चौराहों के आसपास लाकर पौधे बेच रहे हैं। हिमाचल के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद विभिन्न फलदार पौधों को रोपने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इससे ऊपरी क्षेत्र में पौधों की मांग काफी बढ़ गई है। मांग को देखते हुए मौके का लाभ उठाने के लिए कुछ लोग गैर प्रमाणिक और रोगमुक्त पौधों कस्बों के नजदीकी बस अड्डों एवं चौराहों के आसपास लाकर पौधे बेच रहे हैं। हालांकि बागवानी विभाग ने इस तरह पौधे बेचने वालों पर नकेल कसने के प्रयास तेज कर दिए हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के चलते ऐसी गतिविधियों को रोकना अधिकारियों को मुश्किल हो गया है। विभाग की ओर से बागवानों को सलाह दी जा रही है कि पौधे पंजीकृत नर्सरी से ही ले, जहां बागवानी विभाग की निगरानी से पौधे तैयार हुए हों। अधिकारियों का कहना है कि अक्सर बागवान जल्दबाजी में बाजार और चौराहों पर पौधे बेचने वालों से महंगे पौधे क्रय कर लेते हैं। ऐसे पेशेवर पौधे बेचने वाले लोग घटिया और रोगमुक्त पौधे बेचकर खुद चांदी कूट रहे हैं, लेकिन बागवान को सालों बाद लूटने का पता चलता है जब पौधे फल देने लायक हो जाते हैं। हिमाचल किसान सभा नेताओं का कहना है कि चौराहों पर इस तरह पौधे बेचने वालों पर पूर्ण प्रतिबंध हो, ताकि बागवान रजिस्टर्ड व्यक्ति से अच्छे और सस्ते पौधे ले सके। किन्नौर के बागवान भगवान दास ने बताया कि आजकल वे प्रमाणिक नर्सरी से ही पौधे रोपाई के लिए ले जा रहे हैं। इस बार आशा अनुरूप बर्फ गिरी है, इससे नमी अच्छी बनी है, पौधा रोपण के लिए सही मौका है। आजकल हम नर्सरियों से पौधे ला करके पौधे लगा रहे हैं, क्योंकि इस बार बर्फ भी काफी अच्छी आई है और नमी भी बहुत है। इस कारण हम लोग प्लांट्स लगाने में जुटे हैं और नर्सरियों से पौधे ला रहे अच्छी वैरायटी के। नर्सरी उगाने वाले बिंदल सिंह ने बताया कि उन्होंने किन्नौर क्षेत्र के हिसाब से वहां के लिए उपयुक्त वैरायटी के सेब पौधे नर्सरी में तैयार किए हैं, जिनमें डार्क रॉयल, कम ऊंचाई के लिए जेरोमाइन, सुपर चीफ आदि। उन्होंने नर्सरी तैयार करने वालों से भी निवेदन किया है कि वे अच्छी किस्म के पौधे तैयार करें, ताकि बागवानों को सही पौधे मिले। सिंह फ्रॉम यंग फास्ट, हम लोग यहाँ नर्सरी बेच रहे हैं, जो कि हमारे पास है किन्नौर के अच्छे क्वालिटी के रॉयल, जो कि अच्छे दाम में जाती है। और हमारे भाइयों से और भी अनुरोध है कि नर्सरी की अच्छी वैरायटी तैयार किया जाए। आपके पास कौन कौन से प्लांट है? हमारे पास अभी तो है जेरोमैन है, कुछ रेड बुलॉक्स है और गाला है बस, और रेड कैन है, दो तीन प्रकार के है, ज्यादा नहीं रखा है। शुरू नर्सरी का काम चला हुआ है हमारा दो तीन सालों में। किसान सभा सचिव प्रेम चौहान ने बताया कि प्रदेश में अच्छी बर्फबारी हुई है, ऊपरी क्षेत्र में सेब लगाने का सिलसिला शुरू हो रहा है, लेकिन सरकार ने जो वादे किए थे कि बागवानों को सेब की अच्छी वैरायटी किसान बागवानों तक पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा धरातल में देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर कुछ लोग धड़ल्ले से घटिया फल पौधे बेच रहे हैं। पौधे ऐसे लोगों के द्वारा बेचे जा रहे हैं, उन लोगों की क्या गुणवत्ता है, कहां से पौधे आए हैं, वैरायटी क्या है, कहीं वायरस या गंभीर बीमारी वाले तो नहीं, कोई पता नहीं। इतना ही नहीं, ये लोग पौधे सरकारी दर से 2 से 3 गुना अधिक दामों पर बेच रहे हैं। इन पर सरकार तुरंत अंकुश लगाए और इन्हें ऐसे पौधे बेचने पर रोक लगे। मेरा नाम प्रेम चौहान है और रामपुर किसान सभा का सचिव हूँ। जैसा कि आप देखते हैं, अभी जो हाल ही में बर्फबारी हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है और हमारा जो उपली उपरा क्षेत्र है हिमाचल का, वहाँ पे अभी जो इसके बाद जो सेब के प्लांट है, सेब के पौधे हैं, उसको लगाने का काम जोरों शोरों पे बागवान किसान बागवान कर रहे हैं। परंतु अभी हम देखते हैं कि जो सरकार और प्रशासन ने वादे किए थे, कहा था कि हम सेब का जो प्लांट है, अच्छी प्लांट हम किसान बागवानों को देंगे, पर धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो ये प्लांट है, दूसरी जगह से लोग बाहरी राज्य से ला रहे हैं, कहीं से ला रहे हैं, कोई इसका अता पता कोई कुछ नहीं है, ना किसानों को है, ना बागवानों को है, ना प्रशासन को है। और ये जो उनको जो ये खुला बाजार के अंदर बेच रहे और मन मर्जी के रेट इसके अंदर दिए जा रहे हैं, और जो इसकी वैरायटी है, इसकी वैरायटी के जो प्लांट की वैरायटी है, पौधे की वैरायटी है, इसकी वैरायटी का भी इसके अंदर कोई पता नहीं है। और हम किसान सभा की तरफ से सरकार और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जो ये सेब यहाँ पे बिक रहे हैं, इनके ऊपर तुरंत रोक
रोक लगाई जाए और जहाँ से ये सेब आ रहा है उनकी जो नर्सरी है उनको प्रॉपर चेक किया जाए ताकि ये किसान और बागवान इस ठगी से बच सके। डॉक्टर बलबीर चौहान बागवानी विकास अधिकारी ने बताया कि बागवानों को सलाह दी जाती है कि अब पौधारोपण का कार्य शुरू करें, लेकिन विभाग की ओर से बागवानों को सलाह है कि बागवान पौधे अच्छे स्वस्थ और विभागीय पंजीकृत नर्सरी से ही लें। बाहर खुले में जो पौधे बिक रहे हैं वो हवा में खराब हुए होते हैं, दूसरा रोग मुक्त एवं वैरायटी की भी कोई गारंटी नहीं रहती, ऐसे में बागवानों को नुकसान होगा। जो है पौधारोपण के लिए ये बहुत ही अच्छा मौसम है, तो आने वाले समय में जैसे ही बर्फबारी रुकती है और बर्फबारी हटती है तो उसके बाद बागवानों को सलाह दी जाती है कि वे पौधरोपण करें, लेकिन पौधरोपण करने से पहले ध्यान रखें कि जो नर्सरी है जो पौधे हैं वो स्वस्थ हों और पंजीकृत नर्सरियों से ही लें, अन्यथा बागवानों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल जिस तरह के पौधे जगह जगह मिल रहे हैं तो ज़्यादातर वो पंजीकृत नर्सरियों में नहीं होते हैं और वो जो है रोगग्रस्त हैं या उनमें किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है और वो जो बीमारी है वो बागवानों के बगीचों तक पहुंच सकती है। तो हम सलाह देते हैं कि बागवान जो हैं वो पंजीकृत नर्सरी